स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हम क्लास में ये बात किया जाता कि हम जो नशा करते हैं तो आखिर क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है जीवन में, कि उसके अलावा और कुछ। इसके साथ साथ आज हम और बात करें कि हमें दुख क्यों होता है, क्योंकि जब हमें दुख होता है तभी हम ये सब चीज़ें की ओर जाते हैं। तो इस पर आज हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि हमें दुख क्यों होता है, तो आप लोग कुछ बताना चाहेंगे क्यों होता है, आपको दुख क्यों होता है? आपको आप लोगों को दुख क्यों होता है कुछ बताइए। सभी के जीवन में इस समय दुख है, कष्ट से भरे हुए हैं, तो किस कारण से है? इसके कारण दुख होता है। और कोई रीजन? पारिवारिक माहौल खराब हो, जब हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते तब दुख होता है। और उस दुख को दूर करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं? दुख को दूर करने के लिए नहीं सर, उस दुख को भुलाने के लिए, कुछ क्षण के लिए। हाँ, भुलाने के लिए नशे करते हैं सारा। देखिए, हमें दुख कब होता है? जब हमारे गार्जियन हमसे कुछ बातें कह दिए जो हमारे दिल को चुभ गया, तब हमको दुख होता है। जब हम किसी को पसंद किए, किसी कारण से नहीं मिल पाए, तब दुख होता है। क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ चाह रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं मिला, दुख स्टार्ट हो जाएगा जीवन में। कभी किसी की बात कोई कही, कोई आपको बुरा लग गया, तब आपके जीवन में दुख रहेगा, तो दुख होता है। अब क्या है कि आखिर ये जो दुख आपको हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इस पर कभी आपने गौर किया है? जो दुख आपको हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी की बात आपको बुरी लगी है, किसी ने आपके बारे में अपशब्द चीज कहा। तो अपशब्द चीज़ अगर किसी ने आपको कहा हो कि तुम एक नंबर के नालायक इंसान, किसी ने अगर आपको कहा हो तो वो उसको कहने में कितना समय लगा हो, कुछ सेकंड लगा हो, और उसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पे क्या हो, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आप सभी चाय पीते हैं, जो कप में या फिर जो गिलास में पीते होंगे उसका वजन कितना है? 100 ग्राम। बस इतना ही वजन है। उस गिलास को कहें अपने हाथ में लेके ऐसे हाथ ऊपर कर दीजिए तो कर लेंगे, अपने हाथ ऐसे खोल के इसके ऊपर गिलास रखना है तो रख लेंगे, उठा लेंगे। बहुत बढ़िया, सब उठा लेंगे। अब क्या है कि वो जो गिलास आपने उठाया उसका वजन कितना था? 100 ग्राम। अब उसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ दें, अब उसका वजन कितना होगा? 100 ग्राम ही रहेगा। उठा पाएंगे उसको 10 मिनट में? आप उसको 10 मिनट तक उठाएंगे जी, भारी लगेगा कि नहीं लगेगा? स्ट्रेस जो होता है ना, नहीं ठीक है, वो भारी लगे कि नहीं लगे? एक घंटा के लिए उठाने के लिए कहे, 2 घंटा के लिए कहे, देखिए ऐसे जो काम में पहले मजा आता था पनिशमेंट हो गया, अब पूरे दिन भर के लिए कहा जाए तो वो गिलास कितना भारी लगेगा? बहुत भारी लगेगा। तो ये यहाँ पे हमको वो इतना भारी लगेगा कि भैया वो हमसे उठेगा ही नहीं, लगेगा जैसे गैस सिलेंडर उठाए हुए हैं, हाथ पूरा दर्द करेगा, इतना भारी लगेगा। तो एक मामूली गिलास जिसका वजन हम डेली उठाते हैं, अचानक इतना भारी लगने क्यों लगा? कारण क्या है कि उसका टाइम इंक्रीज कर गया, उसको पकड़ने का टाइम बढ़ गया। तो इससे हमें ये सीख मिलती कि जीवन में क्या होता है कि कभी कभी हम कोई बात, कोई विचार, कोई घटना जब अपने जीवन में उसको पकड़ लेते हैं तो जितना देर तक पकड़े रहेंगे उसका वजन उतना
बढ़ेगा। जैसे बहुत बार हुआ कि आप कोई काम के लिए ट्राई करेंगे, आप असफल हो गए, अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उसको पकड़े रहिए, तो जितना लंबा पकड़े रहेंगे उतना उसका बोझ बढ़ते जाएगा और जीवन आपका तहस नहस हो जाएगा। यही कारण होता है, जैसे आपके पिता ने बचपन में चाहे 12 साल 15 साल पे कह दिया हो कि तुम एक नंबर के नालायक इंसान हो, तुमसे जीवन में कुछ नहीं होगा, अब उस चक्कर में हम जाके पीना शुरू किया, हमारे पिता ने आखिर हमको कहा तो कहा क्यों, कैसे हिम्मत हो गया कह दिया, बुरा लगता है, पीना शुरू करते हैं, फिर आप यहाँ से रिकवर होके जाएंगे घर पे, फिर अपने पिता से लड़ेंगे, कहाँ पे फिर पहुँच जाएंगे उसी बात पे कि आपने हमको उस दिन क्या कहा था, फिर लड़ेंगे हम, फिर जब पिता भी अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही कि तुम मेरा ये बर्बाद कर दिए, वो बर्बाद कर दिए, इतना तोड़ दिए, तो जैसे वो कहेंगे फिर हमको गुस्सा आएगा, फिर हम कहाँ चले जाएंगे, नशे की स्थिति। तो उस चीज़ को आप जितना लंबा खींचेंगे उतना वो चीज़ भारी होगा। आप सभी के साथ वाइफ से झगड़ा हुआ होगा, भाई ने कुछ कहा होगा, पिता ने कुछ कहा होगा, बेटे ने कुछ कहा होगा, अब आपके पास दो ऑप्शन, या तो उस बात को पकड़े रहिए या तो उस बात को छोड़ दीजिए। उस बात को आप जितना पकड़े रहेंगे, जब तक पकड़े रहेंगे तब तक उसका बोझ आप उठा के घूमते रहेंगे, जहाँ जाएंगे उसका बोझ आपके साथ जाएगा। कुछ अच्छा बताइए, जिस इंसान के ऊपर इतना बोझ लदा है वह इंसान कभी खुश रह सकता है, हमेशा तनाव में रहेगा, हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, हमेशा उसको गुस्सा आएगा, कोई भी छोटी से छोटी बात पे गुस्सा आएगा, क्योंकि वो आप मन के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ लाते हुए हैं कि हमारी वाइफ ने कैसे हमको कह दिया कि तुम निकम्मा हो। हो सके अगर हम उनकी जगह पे अपने आप को उस समय रख के देखें तो हमको लगेगा कि हो सके वो सही हो, हमने कुछ इस तरह का काम किया। तो क्या होता है कि छोटी सी छोटी बात होती है उसको जितना लंबा हम पकड़ के लेके खींचेंगे, जितना लंबा उसको ले जाएंगे उतना उसका बोझ बढ़ेगा। अब पहाड़ पे अगर आपको चढ़ना है तो उसका नियम क्या है, आपके पास वजन बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, बहुत कम रहना चाहिए, जो भी चीज़ रहनी चाहिए अपना हल्का रहना चाहिए, तभी आप ऊंचाइयों पे चढ़ सकते हैं। जो हल्की चीज़ होती है वही ऊपर उड़ सकती है, भारी चीज़ ऊपर नहीं उड़ सकती। हवाई जहाज़ जो उड़ता है उसमें क्या होता है कि कोशिश किया जाता है जितना से जितना हो सके कम से कम वजन लेके जाया जाए। वहाँ पे जो एयर होस्टेड रहती हैं उनके साथ क्या होता है कि वो महिला रहती है क्योंकि उनका वजन कम होता है, पुरुष रहेंगे तो वजन ज़्यादा रहेगा, इसलिए कोशिश किया जाता है कि महिलाओं को मतलब इतनी बारीकी से चीज़ें को देखी जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि आप जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ को पकड़े रहेंगे वो चीज़ उतना ज़्यादा आपको नीचे खींचेगा। आपके पिता से आपकी नाराज़गी होगी, माता से नाराज़गी होगी, भाई से नाराज़गी होगी, तभी तो हम नशा कर रहे हैं, तभी तो हो सके कोई घटना हमारे साथ ऐसी घटित हो गई हो जो हमने नहीं सोचा था। तो उसके भुलाने के लिए आपने तो एक साल दो साल चार साल नशा कर लिया, भूल गए नहीं भूले, वो और ज़्यादा हावी हो गया, नशे के समय और ज़्यादा आप पे हावी हो जाता है, तो उससे बढ़िया है कि उसको भूल जाए, क्षमा कर दे। अब जैसे ही हम किसी को माफ़ कर देते हैं हम रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे ही हम किसी को माफ़ कर देते हैं, किसी को क्षमा कर देते हैं, हम क्या होते हैं, रिलैक्स। अब थोड़ा सोचिए, पुराने समय में होते थे राजा और गुलाम, तो माफ़ करने की क्षमता किसके पास थी, राजा के पास या गुलाम के पास, राजा। तो इसका मतलब जो बड़े दिल वाले होते हैं जिसके पास प्रभुत्व रहता वही माँ दूसरे को माफ़ कर सकते हैं, बाकी जिसके पास उतना बड़ा मन नहीं रहता वो क्या होता है, लड़ बैठते हैं। अगर किसी पागल को आप कुछ कहिएगा तो वो क्या करेगा, आप तो उससे लड़ बैठेगा, पत्ता लीडा चलाएगा, लेकिन कोई पढ़ा लिखा साधु संत है समझदार है उसको बुरा कहिएगा तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि उसके अंदर माफ़ करने की क्षमता है। तो आप जब किसी को भी माफ़ कर देते हैं तो आप अपने आप हल्का हो जाते हैं। अब आपका प्रश्न ये है कि सर जीवन में नशा इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है,
जब हम नशा करते हैं तो नशे का क्या होता है, वो जो पुड़िया होता है वो कितना छोटा होता है, छोटा सा होता है। जो हम पहला बार पीते वो क्या होता है, थोड़ा सा होता है। अब उसको उस समय हम चाहें तो क्या है, आराम से छोड़ सकते। लेकिन वही चीज़ जब हम कंटिन्यू करते जाते हैं, जितना हम उसको कंटिन्यू करेंगे उतना बड़ा वो हमको दिखाई देगा। एक समय ऐसा आता है जब नशे से बड़ा हमको कुछ दिखता ही नहीं है, चारों ओर देखेंगे तो सिर्फ नशा ही दिखाई देगा, ना परिवार दिखेगा, ना घर दिखेगा, ना कैरियर दिखेगा, ना देश दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ नशा दिखेगा। कारण क्या है कि उसको हमने बहुत बड़ा बना दिया है। बनाया कैसे है, थोड़े थोड़े करके हमने, जैसे हमने अभी क्या बताया कि बात तो छोटी सी है कि आपको कप को उठाना है हाथ में, लेकिन उस कप को जब आप कंटिन्यू करते हैं तो कप क्या हो जाता है, सिलेंडर से भी भारी हो जाता है, पत्थर से, पहाड़ से भी भारी हो जाता है। उसी तरह से नशा है, नशा क्या है, एक छोटा सा है, थोड़ा सा आपने लिया पहली बार, हल्का सा नशा हुआ होगा, उस समय चाहते तो आप छोड़ देते, लेकिन ये इतना बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि इसको आपने कंटिन्यू किया। और यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं सर हम बहुत बार बार प्रयास करते हैं फिर भी नहीं छूट पाता है। कारण क्या, कि उसको आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो जितना लंबा उसको कंटिन्यू करेंगे उतना ज़्यादा वो आपके लिए भारी होगा, क्योंकि उसके अलावा और कुछ आपके जीवन में नहीं रहे, आप सोचेंगे। तो नियम ये कहता है कि जिस भी चीज़ को हम रेगुलर करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, वो उस हिसाब से हम पे और ज़्यादा असर दिखाते रहेंगे, उसका प्रभुत्व और ज़्यादा हम पे हावी होगा। जब आप लोग किसी की नई नई शादी होगी तो उस समय आप देखेंगे कि आप जब पहली बार मिलते हैं तो आप एक दूसरे से उतना जान पहचान नहीं होता है, तो किसी को नाराज़गी होगी, कोई खुश होगा, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे को आप समय देते हैं, समझते जाते हैं, तब लगता है कि नहीं ये हमारे लिए ही बना था, लगता है ना। जैसे पहली बार आपसे कोई आपका दोस्त मिला होगा तो एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी मिले होंगे, लेकिन जितना आप उसके बारे में जानते जाते उतना ज़्यादा वो आपके घनिष्ठ होते जाते। एक समय ऐसा आता है कि कोई भी काम करना है तो दोस्त से पूछें, बड़ा सा बड़ा निर्णय लेने के लिए हम मित्र से पूछते हैं, तो वो मित्र जो है, जो अनजाना मित्र था, वो अचानक इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है करीब, क्योंकि उसके साथ हमने कंटिन्यू किया है। जितना लंबा समय हम किसी के साथ गुजारेंगे, जितना उसको समझेंगे, जितना उसको जानेंगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ हम पे हावी होगा। नशा भी सेम यही है, शुरुआत आपने किया हुआ तो आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगा, इस समय आप PhD होल्डर हो गए होंगे, सभी प्रोफेसर हो गए होंगे ना, इसके बारे में कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कौन मिलता है, आखिर इतना ज़्यादा ज्ञान कहाँ से होगा, क्योंकि हमने बस इसको कंटिन्यू करते रहा और किसी चीज़ पे हमने फोकस नहीं किया। तो क्या होता है कि छोटी सी जो आदत होती है, जब उस आदत को हम कंटिन्यू करेंगे तो वो हम पे बहुत भारी हो जाता है। इसीलिए आज हमको नशे के अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं देता। अब क्या है कि आदत तो छोटी सी है, अब ये हम पे भारी हो गया तो अब इसको छोड़े भी कैसे। जैसे कोई आदत अब पड़ गया तो आदत को छोड़ना भी तो है, तो कैसे छोड़ें। तो जैसे हमने इसको पकड़ा था वैसे ही हम इसको छोड़ भी। जैसे क्या है कि आपने जब लिया था तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें करके आप पे हावी हो गई थी। अब क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि अचानक सब सही हो जाए, हम सही हो जाए, घर सही हो जाए, परिवार सही हो, तो वो चीज़ अचानक नहीं होगा। 5 साल 10 साल अगर बिगड़ने में लगा तो कम से कम 3-4 साल उसको सुधरने में लगेगा, समय लगेगा। तो आपसे क्या मांगता है, आपसे मांगेगा वो कि आप धैर्य शक्ति के साथ टिके रहें और थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में बदलाव लाएं। जैसे अब क्या है कि अगर हम सोचेंगे कि हाँ सर अब यहाँ से गए हैं तो हम 3-4 साल तक बहुत अच्छे से रहेंगे या फिर जीवन भर अच्छे से रहेंगे, ये जब माइंड में आपके थॉट आएगा ना तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बहुत भारी लगने लगेगा दिमाग में। अरे यार अब जीवन भर नहीं छूना है, अब जीवन भर हम इसको नहीं करना है, तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होगा। अब जैसे हम एक एक कदम करके चले, सोचे कि आज हम इसको नहीं करें,
आज के दिन हम इसको टच नहीं, कल का कल देखेंगे। तो कम से कम अब बताइए कि पूरा जीवन भर और आज तो ज़्यादा कमांड आपका किस पे रहेगा? आज। तो उसको आप इजीली आज को, जब कल हम गए तो फिर हम आज नहीं करेंगे। तो इस तरह करते करते क्या हुआ कि एक आदत बन जाएगी और आप उसमें रेगुलर हो जाएंगे, वो चीज़ें छूट जाएगी। कहने का मतलब कि अगर आपको 10 किलोमीटर चलना है, पैदल चलना है, तो दिमाग में हम आपसे कहें कि भैया तुमको 10 किलोमीटर जाना है, तो आप क्या हो जाएंगे? नर्वस हो जाएंगे, कैसे जाएंगे उतना। लेकिन जब आप एक एक कदम बढ़ाते चले जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा पहुंच जाएंगे। दर्द होगा, थकान होगी, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम पहले ही बता दें कि आपको इतना चलना है, तो पहले ही आप हार मान लेंगे, बोले हमसे ना होगा। तो किसी भी काम को, बड़े से बड़े काम को करने का सबसे अच्छा तरीका तो उसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग करेंगे। पहले हमारे पास एक बड़ा गोल होना चाहिए, लक्ष्य कि हम नशा मुक्त रहना चाहते हैं, हम अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, हमारा परिवार, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हमसे अच्छे से रहे, हम उसके लिए अच्छा से अच्छा चीज़ कर सकें। तो ये अचानक आप नहीं कर पाएंगे, आपको हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा करेंगे। जब थोड़ा 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 करेंगे अपने हर क्षेत्र में, तो क्या होगा कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन अचानक चाहेंगे घर परिवार में सब सही हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, गलती हम यही करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हम चाहते हैं कि तुरंत सब सही हो जाए, तुमको झटका लगे। जैसे हम आपको कहें कि आपको जितने तरह के औजार चाहिए, जितने तरह की मशीन चाहिए, हम आपको देते हैं। आपको एक पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाना है, लेकिन एक दिन में बनाना है। बना पाएंगे? संभव ही नहीं है, कितना भी कोशिश करेंगे नहीं बने। लेकिन आपने माझी द माउंटेन मैन का नाम सुना होगा, उन्होंने क्या किया, छोटे से छिन्नी हथौड़ी से धीरे धीरे काट के पूरा पहाड़ का रास्ता बना दिया, काफ़ी लंबा रास्ता उन्होंने बना दिया। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि हम जब थोड़ा 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 अगर करते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव बड़ा आता है। लेकिन जब हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं, अचानक हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, जीवन में बदलाव नहीं आ पाता है, और फिर हम क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। तो जिस तरीके से हम नशा करना सीखा है, उसी तरीके से हम नशा करना छोड़ भी सकते हैं। क्या है कि हमको थोड़ा थोड़ा करके हर क्षेत्र में, जैसे अगर आप अपने परिवार के लिए प्यार देना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मत कीजिए, थोड़ा सा कर दीजिए। घर से जाके सब्जी लेते आइए, पिताजी का कुछ काम कर दीजिए, वाइफ के साथ कुछ समय बिताइए। तो जब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो क्या होगा, इससे रिश्ते सुधरेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप सही रास्ते पे आ रहे हैं। फिर उसी तरह धीरे धीरे समय जब बिताते जाएंगे, एक दूसरे को समझते जाएंगे, तो हमको वही जीवन अच्छा लगेगा पहले वाला। अभी हमको नशा सबसे अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि नशा ही हमारे लिए सब कुछ है। सुबह शाम दोपहर हमेशा उसके बारे में सोचते हैं, बहुत कंटिन्यू उसके साथ कर चुके हैं। वही कंटिन्यूटी आप अपने परिवार के साथ कीजिए, देखिए कितना अच्छा लगता है परिवार के साथ समय बिता के। तो यही होता है कि छोटी चीज़ों का असर हमारे जीवन पर बहुत बड़ा होता है। तो लाइफ में हमको क्या करना चाहिए, बहुत बड़ा लक्ष्य या फिर थोड़ा थोड़ा आगे देखो, थोड़ा थोड़ा एक एक दिन करके सोचना चाहिए, एक एक घंटा करके सोचना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। तो वो चीज़ आपको बहुत असर नहीं करेगा। अब इसको एग्जांपल से समझे, तो टाइटैनिक का आपने नाम सुना होगा। टाइटैनिक क्या था? छोटा वाला जहाज था। टाइटैनिक डूबा कैसे? मतलब बर्फ के सीली से वो टकरा के
अगर बर्फ की सीली और टाइटेनिक का तुलना करें तो बर्फ का सीली बहुत बड़ा था, उसके मुकाबले बहुत छोटा, लेकिन बहुत छोटा होते हुए भी बड़े से बड़े जहाज को उसने। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में क्या है कि कभी भी हम डूबेंगे, कभी भी हमारा जीवन अगर तहस नहस होता है तो बहुत बड़े चीज़ से नहीं होता है, बहुत छोटी चीज़ से होता है। हमारा जीवन में तबाही बहुत बड़ा बात नहीं लेके आता है, क्या लेके आता है, बहुत छोटा मामूली सी बात लेके आता है। कहा जाता है कि आपको जब भी काटेगा तो मच्छर काटेगा, हाथी नहीं काटेगा, क्या हाथी बहुत बड़ा है, मच्छर। आप कि जैसे आपके साथ क्या है कि आपका सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके साथ क्या जुड़ा हुआ है, छोटा सा सब, लेकिन पूरा जीवन तहस नहस किया है। तो चीज़ तो बहुत छोटा है लेकिन उसका प्रभाव क्या है, बहुत बड़ा पड़ा है। तो लाइफ में क्या होता है कि हमारी जो छोटी छोटी आदतें होती हैं वही हमारे जीवन को तहस नहस करती है, वही हमारे जीवन को बर्बाद करती है। तो हमको कंट्रोल किस पे करना है, बड़ी चीज़ों पे या छोटी चीज़ों पे? छोटी चीज़ों पे अगर हम अपने कंट्रोल कर लिए तो बड़ी चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। तो लाइफ में अगर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हम लाते जाएंगे डेली डेली तो लाइफ आपका परिवर्तित हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अचानक जब चाहेंगे सब सही हो जाए तो वो सही नहीं होता। और कुछ प्रश्न पूछिए फिर हम लोग आगे बात करें और इस पर। हाँ, कोई बड़े नशे छोड़ने के लिए क्या छोटे नशे का सहारा लेना उचित है? जैसे हमारे लिए स्मैक फूल पी रहा है, गंजा पी रहा है, कोई गंजा पी रहा है, तो क्या छोटा मतलब फैमिली छुट्टी जैसे दूर हुआ फैमिली हुआ, मान लीजिए मन नहीं मान रहा है कोई ना कोई नशा हमें चाहिए, तो किसी बड़े नशे को छोड़ने के लिए क्या सर छोटे नशे का मतलब स्थापित कर लेना उचित है? जैसे सवाल ये है कि बड़े नशे को अगर छोड़ना है तो क्या छोटे नशे को करना सही है? ये क्या होता है कि नशा आपने जब शुरुआत किया तो छोटे से ही शुरू हुआ और वही जाके बड़ा बना। अब फिर हम बड़े वाले को छोड़ के छोटे वाले में आएंगे तो छोटे वाला कुछ दिन तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आप अपने मन को कब तक समझाएंगे? जब तक समझ सके समझेगा, उसके बाद तुरंत वो आप पे हावी होगा, फिर आप वहीं पहुंचेंगे। क्योंकि दोस्त लोग आ रहे खैनी वहीनी तो देखिए हर इंसान की अपनी जीवन क्रिया है, उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बात करना चाहते हैं क्योंकि सब अलग अलग है, आप अलग हैं, दूसरा अलग है, कैसे क्या लाइफ में चल रहा है। मेरा ये कहना है कि जब हम कोई भी नशा करेंगे ना तो वो लंबे समय तक एक दिशा में नहीं रह सकता, फिर वो दूसरा रूप लेगा ही लेगा। कभी कोई दोस्त के आ रहे हैं भैया जब तुमको खैनी से कुछ नहीं हो रहा है तो चलो ना एक बार बियर पी के देख लो, वो भी तो छोटा ही नशा है। बड़ा नशा आपके हिसाब से क्या है? बड़ा नशा आपके हिसाब से स्मैक ड्रग्स, ये बड़ा नशा आपके हिसाब से होगा। लेकिन जो बच्चा पहली बार खैनी खा रहा है उसके हिसाब से बड़ा नशा क्या होगा? तो हमारे देखने का नज़रिया है कि हम किसको बड़ा मान रहे हैं। हम एक बार ऐसे काउंसलिंग कर रहे थे, हमने पूछा कि आपने अब तक सबसे बड़ा नशा क्या किया है, तो उस बंदे ने कहा कि हमने इसमें स्नेक बाइट लिया, मतलब सांप से कटवाया है, सांप से कटवाया। तो वो आपके हिसाब से क्या होगा? बहुत बड़ा नशा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वो छोटा था। तो देखने का तरीका क्या होता है कि सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। तो ये जो नशा है जब आप एक बार कंटिन्यू कर लेंगे तो फिर एक समय आएगा जब आपका मन उससे नहीं मानेगा, मन कहेगा चलो यार कुछ और ट्राई करो, उससे अब उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या करेंगे आप दूसरे चीज़ ट्राई करेंगे, फिर उसी दिशा में चले जाएंगे जहाँ से आप आए। तो या तो किसी चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ दें या फिर किसी चीज़ को, जैसे कहा जाता है कि कीचड़ से कीचड़ नहीं साफ होता है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी चाहिए।
तो अगर आप नशे से नशे को साफ करना चाहेंगे तो हो पाएगा? हम कैसे ये वाला छोड़ के ये वाला कर ले, ये वाला छोड़ के ये वाला कर ले, तो फिर तो वही बात हो गई, एक छूटेगा दूसरा रहेगा। नशा छोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपके जीवन में कोई ना कोई एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए जो उस नशे से भी बड़ा हो। वो जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक ही आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, आपका परिवार, आपका घर, आपके समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपके नशे से बड़ा हो, है सबके लाइफ में, बस उसको खोजना है। और जब वो मिल जाए तो उसके लिए थोड़ा 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 काम करते चले जाइए, देखिए जीवन कैसे परिवर्तित होता है। नशा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कारण क्या है ना कि हमने अपने चारों ओर उसको इतना ज़्यादा भाव दे दिया है, इतना ज़्यादा उसको बढ़ा दिया है कि हमको उसके अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा, हमको लग रहा है जो है यही है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिसका छोटा भाई यहाँ पे नशा नहीं करता होगा, लेकिन बड़ा भाई बहुत ज़्यादा कर रहा है, कारण क्या है? छोटे भाई को कष्ट नहीं है, जो आपके लाइफ में चीज़ें चल रही हैं वो भी उसके लाइफ में चल रही हैं, लेकिन वो नहीं कर रहा, आप किए जा रहे हैं, तो कुछ तो रीज़न होगा। रीज़न ये कि हम अपने चारों ओर उसको बहुत बड़ा कर चुके हैं। अब जब बहुत बड़ा हो चुका है पेड़ तो उसको एक दिन में थोड़े काटेंगे, थोड़ा 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 कोशिश करके उसको ख़त्म कर देना है, फिर लाइफ आपका नॉर्मल पटरी पर। और उस जीवन का क्या मतलब जो जीवन हम नशे के कारण बर्बाद कर दिया, क्या आप क्या बताएंगे अपने बाल बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम एक पुड़िया से छुटकारा नहीं पा पाए, हम एक टैबलेट से छुटकारा नहीं पा पाए, उसी में ख़त्म हो गए? यही सीखेगा आपसे बच्चा? आपका बच्चा जब बड़ा होगा, जब उसको पता चलेगा कि मेरे पिता, मेरे घर वाले ऐसा करते हैं, पी के ख़त्म हो गए, तो वो आपसे क्या सीखेगा? कैसे थे यार इंसान, हाँ उसी रास्ते पे चला जाएगा। उसके बाद वो क्या कहेगा कि अगर कोई बढ़िया रहेगा तो क्या कहेगा कि भैया कैसे इंसान थे? सर मेरे अनुभव में मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने अपने परिवार में देखा है, बहुत बड़ा परिवार है मेरा एक्चुअली, तो मेरे परिवार में मैंने यही देखा है ना कि जो नशेड़ी है ना उनके बच्चे शरीफ पैदा होते हैं और जो शरीफ हैं उनके बच्चे नशेड़ी पैदा होते हैं। जैसे कारण क्या है ना, इस चीज़ को आप समझिए। ये सर कारण पता क्या है, जो पिता होते हैं ना वो फोर्सफुली, जो शरीफ पिता है वो फोर्सफुली वो करते हैं कि तुम समाज में मेरी इज्जत खराब कर रहे हो, तो दबाव रखना चाहते हैं ना, तो उस चक्कर में वो बच्चा आला हो जाता है। और जो नशेड़ी होता है उसका बच्चा दिखता है कि उसका बाप नशेड़ी है, तो वो उस रास्ते पर जाता ही नहीं है, ये खराब। हाँ कहिए कहिए आप।